हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू पाठशाला। एजुकेशन विद डिफरेंस में आपका स्वागत है। तो आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यू सेट 5। 1-4 तक मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिख जाएगा, मिल जाएगा। और आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे। आने वाले जितने भी एग्जाम है, बिहार दरोगा का जो मेंस एग्जाम है, और बिहार एसएससी का जो भी मेंस एग्जाम होगा, और बिहार बीपीएससी पीटी का, दिल्ली पुलिस, अदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, सबके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पे। किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मनुष्य मेरी संतान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शिलालेख में कहा है कि मनुष्य जो है मेरी संतान है? तो ये जो है पांचवें शिलालेख में कहा गया है अशोक के द्वारा। अशोक का जो पांचवा शिलालेख है उसमें ये कहा गया है। तो अशोक ने पांचवें शिलालेख में प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान बताया है। प्रत्येक मनुष्य को क्या किया है? अपनी संतान बताया है। इसमें उसने दासों के किए जाने वाले व्यवहार के बारे में बताया है, जो दास के द्वारा व्यवहार किया गया था उसमें बताया है। इसके अलावा इसमें धर्म महामत का भी उल्लेख है। धर्म महामत का भी उल्लेख है। वो समझ गए होंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 162 पे। अशोक के किस शिलालेख में पांच समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? पांच समकालीन यूनानी राजा का उल्लेख जो है किस अभिलेख में है? तो ये नाइन्थ शिलालेख में है। नवमे शिलालेख में जो है इसके बारे में बताया गया। अशोक के नवमे शिलालेख में पांच यूनानी समकालीन राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें पांड्य चोल आदि का भी उल्लेख है। पांड्य चोल आदि का भी उल्लेख है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 163 पे। अशोक के बोधगया और बोध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? अशोक का जो है बोधगया और बोध वृक्ष की यात्रा का उल्लेख जो है किस शिलालेख में है? तो ये आठवें शिलालेख में है। किसमें है? आठवें शिलालेख में है। इसके बारे में अशोक के आठवें शिलालेख में बोध गया और बोध वृक्ष की यात्रा का उल्लेख है। तो दोस्तों, ये आप समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किस में है? अशोक का जो बौद्ध धर्म है वो अपनाने का उल्लेख जो है किस में है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भाब्रू शिलालेख में। किसमें? भाब्रू शिलालेख में। अशोक के भाब्रू शिलालेख में उसके बौद्ध धर्म में परिवर्तन का उल्लेख है। इसमें उसकी धम्म नीति का उल्लेख है। किस नीति का उल्लेख है? जो धम्म नीति का जो है उल्लेख इसमें है। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 पे। आपको इसमें है जो मंदिर बनाने की पंचायत काल का प्रथम नमूना है। मंदिर बनाने की पंचायतन काल का नमूना है। मंदिर बनाने का जो पंचायतन काल का जो नमूना है ये कहाँ पे है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। पंचायतन काल का प्रथम नमूना देवगढ़ का दशावतार है, मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये गुप्त काल के दौरान बना था। यह कब बना था? गुप्त काल के दौरान बना था ये। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 166 पे। नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ पे है? जो नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, वो भामल वो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, जो कि बौद्ध स्तूप था जिसको नष्ट कर दिया गया है। भामर स्तूप के अवशेष पाकिस्तान के हरिपुर में मिलते हैं। यह वहां के राष्ट्रीय धरोहर है। इसका निर्माण चौथी सदी में तब के गंधार में हुआ था। इनका निर्माण जो है चौथी सदी में, उस समय का जो गंधार था, गंधार वाला पार्ट था, उसमें हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 167 पे। इसमें ये बताया गया है कि गहरवाल वंश की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ कराया था? धर्म चक्र जिन विहार कहाँ कराया था? गहरवाल वंश की रानी जो थी कुमार देवी, वह ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ कराया था? तो जिन विहार जो है ये सारनाथ में कराया था। कहाँ पे कराया था? सारनाथ में।
कहाँ पे? सारनाथ में करवाया था, सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। वाराणसी के मंदिरों में 12वीं सदी में धर्म चक्र जीन विहार का जिक्र है, जिसे गहरवाल वंश की रानी कुमार देवी ने आयोजित कराया था। कुमार देवी कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? गोविंद चंद्र की पत्नी थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। और आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 168 पे। कल्याण को वेगी वेगी से जोड़ने वाले मार्ग का क्या नाम है? कल्याण जो है ये महाराष्ट्र में है, कल्याण से को वेगी में जोड़ने वाला जो मार्ग है इसको क्या कहा जाता है? तगर। क्या कहते हैं? तगर, तगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। तो तगर भारत की प्रमुख व्यापारिक मार्ग था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था। इसका जिक्र कई यात्रियों ने किया है। क्या किया है? इसका जिक्र जो है कई यात्रियों ने किया है इसका जिक्र। तो आपको पता है ये आंसर इसका ए सही आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं। इसमें है जो संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? संस्कृत जो नाटक होता था इसमें विदूषक जो है वो कौन होता था? तो इसमें जो है विदूषक कौन होता था दोस्तों? तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो विदूषक होता था ये ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है ये क्या होता था? विदूषक होता था। ब्राह्मण जो है ये विदूषक होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 170 पे। इसमें ये बताया गया है कि तोरमान किस जाति का राजा था? तोरमान जो है किस जाति का राजा था? दोस्तों तोरमान जो है यह हुन जाति का राजा था। किस जाति का राजा था? हुन जाति का राजा था। तोरमान हुनों का राजा था। तोरमान हुनों का राजा था जिसने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? मालवा पर आक्रमण किया था लाठी लेके। उसने अफगानिस्तान तक राज विस्तार किया। उसका पुत्र मिहिर कुल था जो हुनों का राजा था और कट्टर सैव भक्त था। मिहिर कुल को यशोवर्मन ने हरा करके हुनों के साम्राज्य का अंत किया था। क्या किया था? हुनों के साम्राज्य का अंत किया था। ये आप समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से है? एलोरा की जो गुफाएं हैं यह किस धर्म से है? तो दोस्तों यह हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से है। एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाए थे, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाए थे। यहाँ 34 गुफाएं हैं जिसमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म से संबंधित है। तो हिंदू धर्म से सबसे ज्यादा है, आप याद रखेंगे, ये तीनों धर्म से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? भारत में जो है बैंक का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो दोस्तों बैंक का प्रथम साक्ष्य जो है ये आपके वैदिक काल से मिलता है। भारत में बैंकिंग के प्रथम साक्ष्य वैदिक काल में मिला है। उन दिनों लोग ऋण पत्रों के रूप में ब्याज सूदखोरी के रूप में मिलती थी। ब्याज जो है सूदखोरी के रूप में मिलती थी, जिस तरह से अभी बैंक में सूद लेते हैं ब्याज लेने के लिए, उसी तरह से उस समय भी मिलती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 173 पे चलते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? मतलब जो मतलब प्रागैतिहासिक काल है उसके पिता का नाम क्या है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल का किया जाता है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पे। कुषाण पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण काल का जो लोग था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार। पुरापाषाण काल के लोग का मुख्य व्यवसाय शिकार था। तब मानव शिकार करके कंदमूल फल खा करके अपना पेट भरता था।
क्या करता था, कंदमूल फल खाकर के अपना पेट भरता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 175 पे। राखाल दास बनर्जी ने किस स्थान की खोज की थी? राखाल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मोहन जोदड़ो की। दोस्तों ये आजकल क्लास 3 से भी आने लगा है। राखाल दास बनर्जी ने किस स्थान की खोज की थी? 1922 में भारतीय पुरातात्विक राखाल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको एग्जाम में ये मिलेंगे। आइए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज किसने की, तो ये आपको याद होना चाहिए, दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो 1921 में भारतीय पुरातात्विक तत्वविद दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 177 पे। मोंटोगोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थान है? मोंटोगोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो दोस्तों ये हड़प्पा, हड़प्पा का है। मोंटोमोगरी जो भी है, मोंटोमोगरी पाकिस्तान में जो है ये हड़प्पा का है। मोंटोमोगरी पाकिस्तान के पंजाब में है, यहाँ हड़प्पा स्थल स्थित है। आइए चलते हैं 178 क्वेश्चन नंबर पे। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो से। कहाँ से? मोहन जोदड़ो से। महान स्नानागार मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर ऊंचा है। दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। गुफ कराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? गुफ कराल नामक जो है नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? तो यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, यह जम्मू कश्मीर में है। आइए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 180 पे। मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त है? मनुष्य के शरीर में जो दांत है, दांत का प्रथम अवशेष हम ये कहाँ से प्राप्त है? तो ये दोस्तों मेहरगढ़ से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मेहरगढ़ से। दांतों के प्रथम अवशेष मेहरगढ़ में पाए गए हैं। मेहरगढ़ राजस्थान में है, जहां अनेक दुर्ग भी है। क्या है? अनेक दुर्ग भी यहाँ पे है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 181 पे। जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं? जानवर के जो प्रथम अवशेष है यह जो है किस प्रदेश में पाए गए हैं? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। जानवरों के प्रथम अवशेष मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पाए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 182 पे। भीम बेटका में कितनी गुफाएं हैं? भीम बेटका में जो है 243 गुफाएं हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित सुप्रसिद्ध स्थान है। यहां पर कुल 243 जो है गुफाएं हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 188 पे। इसमें बताया गया है कि अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन है? किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन है? तो दोस्तों ये 14वें शिलालेख है, जिसमें शिलालेखों में शिलालेखों का वर्णन है। अशोक ने 14वें शिलालेख में देश के विभिन्न भागों में शिलालेखों का वर्णन किया है। शिलालेखों मतलब बहुत सारे शिलालेख जो है उसका वर्णन किया गया है अशोक के द्वारा। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 184 पे। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है? सभी धर्म के लिए जो है सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। ये 12वें अभिलेख में है, जो सारे धर्म एक है ना, इसका वर्णन किया गया है। अशोक ने 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सही सुनता का वर्णन किया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महमत के बारे में है? धर्म महमत के बारे में है, ऐसा कौन सा है इसका? तो ये है 7वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? 7वां शिलालेख के बारे में बताया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 में। 186 में ये बताया गया है, अशोक की किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी है जिसका संरक्षण करना था, है ना, जिसका जो है संरक्षण करना था? तो ये दोस्तों 5वें शिलालेख में है। 5वें शिलालेख में ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें क्या था?
अशोक ने पांचवें शिलालेख में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के बारे में वर्णन है। यह अशोक द्वारा 25 कैदियों के छोड़े जाने का भी वर्णन है। इसी में जो है 25 कैदी को छोड़े जाने का भी वर्णन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 187 पे। श्रीलंका की जो पुस्तक है महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, किसने अशोक को जो है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, तो निग्रोध ने किया था। निग्रोध ने क्या किया था इसको, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, ये पुस्तक के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार है। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 188 पे। अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिलता है, अशोक का जो है कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक नाम का जिक्र मिलता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, मिस्की शिलालेख है इसका जिसमें अशोक नाम का जिक्र मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 189 क्वेश्चन है, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था, है ना, किस ग्रीक राजा, कौन से ऐसे ग्रीक राजा थे जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था, तो ये सेलुकस निकेटर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में सेलुकस निकेटर को हराया, इसके बाद सेलुकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, क्या की, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की मेगास्थनीज ने। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, तो सेलुकस निकेटर हो जाएगा इसका ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, अशोक का जो है कौन सा शिलालेख है जो कि खरोष्टी लिपि में है, तो दोस्तों मनसेहरा और शहवाजगढ़ी उपयुक्त दोनों, तो मनसेहरा और शहवाजगढ़ी ये दोनों शिलालेख है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये दोनों शिलालेख है जो कि अशोक के शिलालेख में खरोष्टी लिपि में है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 191 पे। इसमें है जो अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है, अशोक का जो है कौन सा शिलालेख है जो कि सबसे लंबा है, तो ये 13वां शिलालेख है अशोक का जो कि सबसे लंबा है। अशोक के 13वें शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है, इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। इसके अलावा अशोक के धम की ग्रीक यवन शिलोन आदि राजाओं पर विजय का वर्णन है और अनेक राजाओं का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 192 पे। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है, अशोक का जो है कौन सा अभिलेख है जो कि दो भाषाओं में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी कंधार अभिलेख, ये दो भाषाओं में है। अशोक का कंधार अभिलेख दो भाषाओं में ही है, इसमें जो है यह ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में है, किसमें है, ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में कंधार अभिलेख अशोक का है जो कि दो भाषाओं में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पे। इसमें है जो सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ वायसराय था, सिंहासनारोहण से पहले अशोक जो है कहाँ का वायसराय था, तो तक्षशिला का ये वायसराय था। अशोक 261 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, उससे पहले अशोक तक्षशिला का वायसराय था, क्या था, वायसराय तक्षशिला का था अशोक। और अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अशोक का जो कौन सा है शिलालेख 11 में जो है इसका धम्म नीति का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर सी, अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई है, अशोक का जो है कौन सा शिलालेख था जिसमें पशु हत्या पे इन्होंने रोक लगाया है, तो इसका जो शिलालेख था शिलालेख 1 में जो है इसमें क्या बोला था, जो पशु हत्या जो है वह नहीं करनी चाहिए, पशु हमारे लिए एक जीव के समान है, उन्हें भी धरती पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे, तो इसलिए उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अशोक के पहले अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई और दूसरे शिलालेख में पशुओं के भी उपचार की व्यवस्था का वर्णन है, दोस्तों ये समझ गए होंगे आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। अशोक ने धम्म प्रसार
करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? अशोक जो है धम्म प्रसार जो करना था उसको, तो इसमें कौन से अधिकारी को रखे थे, है ना? तो युक्त, प्रादेशिक, राजुक, उपयुक्त, सभी। तो इसमें सारे जितने भी ऊपर का पद अधिकारी है सबको इसने लगा रखे थे धम्म प्रचार के लिए। अशोक ने अपने शिलालेख में धर्म का, धम्म का प्रचार के लिए युक्त, प्रादेशिक और राजुक नियुक्त किए गए थे। तो इसका जो है उपयुक्त सही आंसर जो है, सभी सारे आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी, कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध जो है जब सिंहासनारोहण हो गया था तो उसके कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आठवें वर्ष में हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था? आठवें में। अशोक के सिंहासनारोहण 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था और आठ वर्ष बाद 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था, है ना? 269 में हुआ था और 261 में जो है कलिंग युद्ध हुआ था, तो आठ वर्ष बाद जो है ये हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 198 पे। अशोक के बेरूत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? अशोक का जो बेरूत शिलालेख था उसको इलाहाबाद कौन ले गया था? तो कनिधम ने ले गया था। कनिधम ने उसका शिलालेख को, बेरूत शिलालेख को इलाहाबाद ले गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 पे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में देवता अध्यक्ष किससे संबंधित है? मौर्य काल में जो देवता अध्यक्ष है ये धार्मिक संस्थान से संबंधित है। मौर्य काल में धार्मिक संस्थानों की देखभाल देवता अध्यक्ष होता था, है ना? देवता अध्यक्ष होता था, जो भी धार्मिक संस्थान को देखरेख करते थे वह देवता अध्यक्ष कहलाते थे। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन जो है गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गैरिबाल्डी ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आप सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। आपको मैंने टोटल एंशियंट हिस्ट्री का 1-5 सेट MCQ का बता चुका हूँ, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, जो आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन्हें आप अच्छे से देखेंगे तो जो भी UPSC, BPSC या प्रीवियस SSC वगैरह का एग्जाम हुआ है वहां से सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है, इसलिए ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थैंक यू, और हमारे चैनल को आप हमेशा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा, और अपने दोस्तों को बताएं कैसा लगा आपको ये सेशन। थैंक यू वेरी मच।